लोकसभा में हमारे यादव समाज की उतनी आबादी नहीं है कि हम यहाँ का सांसद हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति में एक जाति का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हमारी उतनी जाति नहीं है। साथ ही भूमिहार भाई का भी उतनी जाति नहीं है कि वो यहाँ का सांसद हो सकते हैं, ना राजपूत भाई का है, ना बिंद भाई का, ना और किसी का है, मगर धानु कोरी समाज का इस क्षेत्र में 5 लाख वोट है, वो यहाँ का सांसद हो सकते हैं, मगर उनके वोट को लेकर आपको ठगा जा रहा है। आपके वोट पर एक सामंतवादी विचारधारा के लोग जो है कब्जा किए हुए हैं। ऑडियो आया है, आनंद सिंह कहते हैं कि कौन है अशोक महतो हम नहीं जानते। अरे आप तब नहीं जानते जब अशोक महतो गैंगस्टर रहता। आप गैंगस्टर हैं तो कैसे जानिएगा कि अशोक महतो कौन है। इसलिए आप हमारी घर की बेटी, हमारी घर की बहन कुमारी अनीता को आप एक एक वोट लालटेन छाप मत देकर विजयी बनाने का काम करें। साथियों, हमारे चानन से आए हुए, सुजगरहा से आए हुए जितने भी भाई साथी हैं, मैं उनका विशेष अभिनंदन करता हूं कि आप कैसे आए हैं हमको पता है। आप इसलिए हमको पता है कि आपका जो आने का साधन था वो छीन लिया गया, आपका ट्रेन का ठहराव छीन लिया गया, आपका जो हमारी बच्ची, हमारा बच्चा, जो हमारा मजदूर रेवता से, गोपालपुर से, कुंदर से, लाखूचक से, महजलेटा से, मानपुर से, तिताई तक से जो लोग आते थे, और वो आने के बाद लखीसराय में 400 का मजदूरी करके चानन वापस चले जाते थे। पीरी अभयपुर से लेके वहाँ आपका धरहरा तक जो साथी गरीब थे, जो बच्चा पढ़ना चाहता था ट्रेन पकड़ के आता था और कोचिंग करके घर वापस चल जाता था, एक साजिश के तहत कोरोना काल में उनके ट्रेन का ठहराव को रोक दिया गया और कहा गया कोरोना के बाद ट्रेन का ठहराव चालू कर दिया जाएगा। वहाँ ट्रेन का ठहराव चालू नहीं हुआ। क्यों नहीं चालू हुआ हम जानना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका ट्रेन का ठहराव जब उठ गया तो आपका ट्रेन का ठहराव क्यों नहीं हुआ। इसलिए कि आप दबे कुचले शोषित वंचित क्षेत्र से आते हैं और बाकी जगह का ट्रेन का ठहराव बहाल हो गया। आपका आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आपका आवाज़ जो उठा सकता है वो सामंतवादी विचारधारा का लोग आपका वोट लेके लोहिया का भी कहे थे। लोहिया का एक बात याद आती है मुझे आज कि लोहिया कहे थे कि छोट का वोट छोट का राज, यहाँ छोट का वोट मोट का राज हो रहा है। इस बात को समझने की ज़रूरत है भाइयों, आपको जागने की ज़रूरत है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका अधिकार छीना जा रहा है, आपका हक मारा जा रहा है, आपके हाथ में सब कुछ है। हम एक जगह और बोले थे, वो वीडियो मेरा काफ़ी वायरल है, हमने कहा था कि बिहार सरकार जातीय जनगणना कराने का काम किया जिसमें 600 करोड़ खर्च आई है, और यही मोदी सरकार उस जातीय जनगणना का विरोध कर रहा था, उसके खिलाफ में मनुवादी और समांतवादी विचारधारा के लोग हाईकोर्ट चले गए थे। जब हाईकोर्ट भी ये डिसीजन दिया कि नहीं, गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी ठीक बोल रहे हैं कि देश में जिसकी आबादी है वो उतनी जो है उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हमने कहा था कि मुंगेर लोकसभा का जो प्रत्याशी होना चाहिए, जिसकी आबादी है उसकी प्रत्याशी होनी चाहिए, मुंगेर लोकसभा में हमारी यादव समाज की उतनी आबादी नहीं है कि हम यहाँ का सांसद हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति में एक जाति का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हमारी उतनी जाति नहीं है। साथ ही भूमिहार भाई का भी उतनी जाति नहीं है कि वो यहाँ का सांसद हो सकते हैं, ना राजपूत भाई का है, ना बिंद भाई का, ना और किसी का है, मगर धानु कोरी समाज का इस क्षेत्र में 5 लाख वोट है, वो यहाँ का सांसद हो सकते हैं, मगर उनके वोट को लेकर आपको ठगा जा रहा है। आपके वोट पर एक सामंतवादी विचारधारा के लोग जो है कब्जा किए हुए हैं। और बोलना चाहेंगे कि हमारे कजरा भैपुर के लोग आए हुए हैं, पीरी बाजार के लोग आए हुए हैं, उनके साथ भी ठगी हुई है। उनकी जमीन बार NTPC के तर्ज पर लेने का काम किया। एक कहावत हम बचपन में सुनते थे कि बेटी और रोटी का लाज होता है, कोई भी किसान अपना जमीन पैसे के चलते नहीं बेच देता, या तो बेटी की शादी में बेचता है या बीमारी में बेचता है। अगर किसान को आप 1 करोड़ रुपये इकट्ठा भी दे दोगे वो अपना जमीन नहीं बेचेगा। सरकार ने उसकी ज़मीन को ठगने का काम किया कि अगर हमारी आप जमीन दे दीजिएगा तो हम थर्मल पावर के आधार पर आपका हम NTPC खोलेंगे और आपका क्षेत्र का जितना भी नौजवान है 1 से 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल जाएगा।
बहुत साजिश के तहत उस एनटीपीसी को सोलर पावर में कन्वर्ट कर दिया गया। बिजली तो उत्पादन होगा मगर आपको रोजगार नहीं मिलेगा, इसलिए कि आपका क्षेत्र पिछड़ा का क्षेत्र है, आपका क्षेत्र दबे कुचले शोषित वंचितों का क्षेत्र है, आपको रोजगार ये नहीं देगी सरकार। आज सारा प्राइवेटकरण हो गया। साथियों, अंत में कुछ साथी कुछ मांग किए थे, हम अपने माध्यम से उस बात को रख देंगे कि अगर हमारी सरकार केंद्र में आ गई, हमारी सरकार अगर केंद्र में आ गई तो जितना भी ठगी के शिकार जो चीट फंड कंपनी जो हमारी गरीब जनता को ठगने का काम किया है, चाहे वो सहारा का पैसा मोदी कितना भी खा ले, उस सहारा का पैसा हम उगलवा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।